फ्रेंड्स लीजिए आ गया गर्मा गर्म मज़ेदार चिकन की रेसिपी। इस तरह से चिकन बनाएंगे ना तो नहीं खाने वाले भी मांग मांग कर खाएंगे और आपके मुंह में भी पानी आ जाएगा देखकर, तो आप ही फटाफट से बनाने लगेंगे। इंजॉय कीजिए चिकन मसाला करी और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए हमारी रेसिपी कैसी बने। चैनल पर पहली बार आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए चिकन बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स नमस्ते, मैं हूँ चांदनी, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज लेकर आई हूँ आपके लिए चिकन की रेसिपी। चिकन की रेसिपी बनाने के लिए हमने 500 ग्राम चिकन लिया है। चिकन में हम हाफ टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, इतना मिक्स करेंगे कि मसाले चिकन में अच्छे से कोटिंग हो जाए। चिकन हमारी अच्छे से कोटिंग हो गई है तो इसे हम मैरिनेट होने के लिए साइड में रख लेंगे, कवर कर लेंगे इसे और साइड में रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। मसाले के लिए हम रेडी कर लेंगे 2 इंच अदरक का टुकड़े और 4 गाँठ लहसुन है जो हम पीस कर रेडी कर लेंगे। इसे 5-6 छोटी छोटी हरी मिर्चें हैं इसे भी साथ में ग्राइंड कर लेंगे। हमने पीस कर इसे रेडी कर लिए हैं तो सेट कर लेंगे। 3 मीडियम साइज का प्याज हमने छिलकर रेडी कर लिए हैं धो के, इसे अच्छे से बिल्कुल बारीक चॉप कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से सभी को कट करके रेडी कर लेंगे। एक टमाटर लिए हैं इसे भी बारीक चॉप कर लेंगे। इस तरह से लंबे लंबे पीसेस में कट कर लेंगे। थोड़ी सी चाकू अच्छी नहीं चल रही थी तो हम इसे कट कर लेंगे। कट करके रेडी है, चलते हैं आप गैस के पास। गैस ऑन कर लिए हैं, कढ़ाई को गरम कर लेंगे। कढ़ाई गरम हो गया तो इसमें 4 बड़े चम्मच तेल ऐड करेंगे, शायद थोड़ी सी और डाल लेंगे। तेल हमारी अच्छी गरम हो गई है, देख सकते हैं बिल्कुल पानी की तरह दिखने लगा है फ्रेश। तो यहाँ पर ऐड करेंगे थोड़े से खड़े मसाले लिए हैं, साबुत मसाले हमारे हैं 1 छोटी टुकड़ा दालचीनी का, 3 तेज़पत्ता, 3 लाल मिर्च, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सा जीरा, 10-15 काली मिर्च, 2 इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, सभी को हम थोड़ा थोड़ा खोल लिए हैं, एक साथ ही ऐड कर लेंगे। मसाले हमारे सारे चटक गए हैं तो यहाँ पर हम प्याज ऐड कर लेंगे। प्याज को अच्छे से भूनेंगे ब्राउन होने तक। यहाँ पर हम सिर्फ प्याज के लिए थोड़ा सा नमक यूज़ करेंगे ताकि नमक जल्दी से अपना काम शुरू करे। प्याज हमारा बहुत जल्दी पक जाए, प्याज या टमाटर को जल्दी कुक करना हो तो थोड़ा सा नमक डालकर कवर कर दीजिए। एक सीक्रेट है, जल्दी आपका प्याज या टमाटर गल जाएगा। एक बार हम प्याज को खोलकर चला लेंगे, इसे एक लगातार नहीं छोड़ेंगे, बीच बीच में हम चलाते रहेंगे ताकि प्याज हमारा जले में अच्छे से रोस्ट हो पाए। प्याज को हम खोलकर चेक करेंगे, प्याज हमारा अच्छे से भुन चुका है तो इसमें हम 1 चम्मच जो हमने लहसुन प्याज मिर्ची वाला अदरक प्याज लहसुन वाला सॉरी मैं गलत बोलते जा रही हूँ अदरक लहसुन मिर्ची वाला जो हमने पेस्ट बनाया था उसे डालकर मिक्स करते जाएंगे। इसे पहले डालते तो ये जल जाता लेकिन यहाँ पर डालेंगे तो अच्छे से भून पाएगा।
दो मिनट के लिए वापस से कवर कर लेंगे। फ्लेम को हमने लो पे रखा है, दो मिनट हो गया है तो हम कवर को खोलकर चेक कर लेंगे एक बार। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, फ्लेम को एक मिनट के लिए हाई पे रखेंगे। थोड़ी सी प्याज के खुशबू निकलने तक भून लेते हैं। प्याज को हमने खुले में एक मिनट भून लिए हैं, तो मैरिनेट किए हुए चिकन को ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे चलाते हुए। इस तरह से हमने अच्छे से चलाकर कवर कर लेंगे। वापस से हम कवर खोल कर चेक करेंगे, चिकन हमारा भून रहा है। इसी तरह से हम दो दो मिनट तक खोल खोल कर चेक करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए चलाएंगे। फिर से कवर कर लेंगे, पाँच मिनट बाद हम इसे फिर से खोलेंगे। हमने टोटली दस मिनट चिकन को भून लिए हैं और काफ़ी हद तक चिकन हमारा भून भी गया है। इसे हम 10 मिनट और भूनेंगे। काफ़ी हद तक तेल रिलीज कर दिया है चिकन, तब भी हम 10 मिनट इसे और भूनेंगे। चिकन हमारा भून रहा है तब तक हम ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, यहीं पर हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। अच्छी कलर अच्छी लुक देने के लिए हाफ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर यूज करेंगे। 1 टेबल स्पून भरकर धनिया पाउडर ऐड करेंगे। हमने दो बार नमक यूज़ कर चुके हैं तो इसलिए यहाँ पर हम सेंधा नमक थोड़ा सा यूज़ करेंगे। मसाले में चिकन में हम नमक यूज़ कर चुके हैं। मसाले को मिक्स करने के लिए थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से घोल लेंगे ताकि मसाला हमारा अच्छे से फूल जाए, बिल्कुल तरोताज़ा हो जाए, जैसे रोज़ हम पीस कर बनाते हैं ना वो वाली फ्लेवर देगी ये घोला हुआ मसाला। चिकन मसाला लेंगे, इसमें से ये पैकेट 1 kg का मेजरमेंट रहता है तो इसमें से हम आधा चिकन मसाला डाल लेंगे क्योंकि हमारा चिकन 500 ग्राम है, आधा बचा लेंगे। इसमें थोड़ी सी पानी डालकर इसे भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ज़्यादा मसाला भी सब्ज़ी को बिगाड़ देता है, इसलिए मेजरमेंट के हिसाब से ही मसाला डालें। चिकन को हम बीच बीच में खोलकर चेक करते हुए चलाते रहे हैं। चिकन हमारा अच्छे से भून चुका है तो हम इसमें मसाले ऐड कर लेंगे। मसाले डालकर चिकन को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने ऊपर से कोई पानी वगैरह नहीं डाला है, देख सकते हैं ये सारा तेल छूट गया है मसाले चिकन से। अच्छे से मिक्स करके इसे फिर से कवर कर लेंगे। कवर कर लेंगे मैक्सिमम 5 मिनट के लिए। चिकन को हम खोलकर देखेंगे, 5 मिनट हो चुका है, देख सकते हो चिकन का लुक कितना चेंज हो गया है, पूरा तेल रिलीज कर दिया है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले वाली कटोरे को क्लीन करके पानी डाल लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर जो हमने लंबे लंबे पीसेस में कट करके रखा था उसे डाल लेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसे ग्रेवी बनाकर भी डाल सकते हैं, पीसेस में भी अच्छे लगते हैं। टमाटर डाल के 2 मिनट हो चुका है, फिर से इसे मिक्स कर लेंगे। खोल लिए हैं, वापस से कवर करेंगे। मसाले को हमने मैक्सिमम 15 मिनट भून लिए हैं, 4-5 बार इसे खोल कर चलाते हुए भुने हैं। मसाले बिल्कुल तेल छोड़ दिया है, चिकन अच्छी तरह से भून गई है। इसमें हम 1 गिलास पानी ऐड करेंगे, थोड़ी सी कम है। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे, देखेंगे इसमें पानी और चाहिए या नहीं है। थोड़ी सी और कम लग रही है, चिकन को अच्छे से पकने के लिए पानी चाहिए। थोड़ा सा और पानी डाल लिए हैं, गिलास में जो जगह खाली था उतना हमने पानी वापस से डाल लिया है। और ये धनिया हमने सुखा कर रखे थे उसे ऐड करेंगे और कवर कर लेंगे। चिकन को हमने 8 से 10 मिनट कुक कर लिए हैं कवर करके।
चिकन का लुक देखने से तो समझ में आ ही गया होगा चिकन कितनी अच्छी बनी है, बिल्कुल हांडी चिकन जैसे हमारी चिकन बनकर रेडी हुई है। यहीं पर हम गैस को ऑफ कर लेंगे, एक मिनट इसी तरह से रहने देंगे, उसके बाद प्लेटिंग करेंगे। एक मिनट के लिए हमने गैस ऑफ में कवर कर लिए थे इसे। लुक से तो मज़ा ही आ गया देखकर, प्लेटिंग कर लेते हैं। देख सकते हैं कितनी प्यारी कलर आई है हमारी चिकन में। हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। इस तरह से चिकन बनाएंगे ना तो आपके फैमिली मेंबर जो ना खाते होंगे वो भी मांग मांग कर खाएंगे। एक बार चिकन मैं पास से दिखाती हूँ, देखिए कितनी प्यारी लुक आई है इसे। जो हमने चिकन लिया था ना वो हमारा चिकन लेग पीस था, इसलिए बहुत सुंदर बनी है। सारे चिकन बनते हैं लेकिन ये खाने में भी बहुत टेस्टी है, जितने दिखने में सुंदर है उतना है। यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं, हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय, फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में।